मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम सर एक बार फिर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए रस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छंद किसे कहते हैं, किस पर चर्चा करनी है, छंद पर। छंद किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, छंद में कितने प्रकार होते हैं, छंद में मात्राएं हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, इन्हीं सब चीजों पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए समझते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन। छंद का अर्थ है बंधन, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम आदि नियमों को ध्यान में रखकर, आदि नियमों को रखकर शब्द योजना बनाई जाती है, शब्द योजना की जाती है, या फिर शब्द योजना यहां थोड़ा सा तैयार की जाती है, छंद कहलाता है। छंद का अर्थ है बंधन, छंद का अर्थ है बंधन, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना तैयार की जाती है, उसे ही हम लोग छंद कहते हैं। और छंद की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है प्यारे विद्यार्थियों कि छंद ही गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करता है, कि छंद की वजह से ही रचनाओं में अंतर पता चल जाता है कि कौन गद्य है, कौन काव्य है, कौन गद्य है, कौन पद्य है अथवा काव्य है। हालांकि आजकल मुक्तक छंद जैसे रचनाओं के भी नाम सुनने को मिलते हैं, तमाम पंक्तियां ऐसे लिखी गई हैं जो मुक्तक छंद में लिखी गई हैं, अर्थात उसमें यह नहीं पता है कौन सा छंद है, लेकिन फिलहाल एक छंद ही ऐसी चीज है हिंदी में जो गद्य और काव्य के बीच सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। इसका मतलब है कि किसी छंद से बधी है। अगली बात हमको ध्यान देना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि छंद ही, छंद किसी काव्य को एक निश्चित लय प्रदान करता है, या किसी काव्य को एक संगीतात्मक रूप प्रदान करता है। क्या करता है, किसी काव्य को एक संगीतात्मक रूप प्रदान करता है। संगीतात्मक रूप प्रदान करने का मतलब है कि उसको हम कभी कभी गाकर, जैसे दोहा है तो दोहे की तरीके से गाकर, सवैया है तो सवैये की तरीके से गाकर, चौपाई है चौपाई के तरीके से, सबका अपना अलग अलग तरीका है। अर्थात छंद किसी काव्य को आकर्षक बनाता ही है, साथ ही साथ उसे संगीतात्मक स्वरूप भी प्रदान करता है। अब छंद में छंद के कितने प्रकार होते हैं उसके जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इसमें मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। क्या चीज, हम लोग ये जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा का अर्थ होता है, मात्रा की परिभाषा है, किसी शब्द के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय व्यतीत होता है, उसे ही मात्रा कहते हैं। किसी शब्द के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। विचार कीजिए, जैसे हमने लिखा कम और लिखा काम, आप देखिए कम और काम दोनों चीजें लिखी हैं, लेकिन काम को बोलने में समय ज्यादा लगता है और कम को बोलने में समय कम लगता है। इसका मतलब है कि काम में बड़ा आ की मात्रा लगी है। हमने लिखा कलम,
फिर हमने लिखा कलाम, अब कलम और कलाम में इस समय सबसे ज्यादा समय लगता है किसको बोलने में, कलाम शब्द को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब यह है कि समय क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कलाम शब्द में बड़ा आ की मात्रा, अगर इसी में एक मात्रा में और लगा दूं तो यह बन जाएगा कलामा, या फिर इसको मिटा दूं तो यह बन जाएगा कलमा। इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें समय कम लगता है। इसका मतलब है कि मात्रा का अर्थ होता है कि जिस जब किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। और आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि मात्रा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं। पहला होता है लघु मात्राएं और दूसरा होता है गुरु मात्राएं। पहला क्या होता है, लघु, और दूसरा होता है गुरु। लघु को हम लोग ह्रस्व अक्षर भी कहते हैं, जिसमें छोटा आ छोटी ई छोटा उ री, छोटा आ छोटी ई छोटा उ री इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। और इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक बड़ा की मात्रा यानी सिंगल पाई, किस चिन्ह के द्वारा हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चिन्ह द्वारा इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ह्रस्व अक्षर छोटा आ छोटी ई छोटा उ री इत्यादि को लघु कहते हैं, इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली बात आती है गुरु की, किसकी बात आती है, गुरु की। दीर्घ अक्षर भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीर्घ अक्षर कहते हैं। इसमें बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए आए ओ औ अन आ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार इसको आप लोग नोट कर ले, उसके बाद इसको हम मिटा दें। अब हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं इसके। जैसे हमने लिखा कलाम, कान छोटी छोटा आ की मात्रा है इसलिए यहां लघु, बड़ा आ है यहां गुरु और यहां पर लघु, अर्थात दो दो एक तीन एक चार, इसमें कुल कितनी मात्राएं हो गई, चार। जैसे हमने लिखा मलयालम, क्या लिखा, मलयालम लघु लघु गुरु लघु और लघु, अर्थात कितनी मात्राएं हो गई इसमें, एक दो 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 चार चार एक पांच पांच छह मात्राएं। अगली चीज जैसे हमने लिखा कमानी, क्या लिखा, कमानी, इसमें लघु होगा इसमें गुरु होगा इसमें लघु होगा, सॉरी बड़ी ई की मात्रा लगी है इसलिए यहां पर भी क्या होगा,
गुरु होगा, क्या होगा? गुरु होगा। ठीक, समझ गए होंगे, लघु गुरु गुरु। जैसे हमने लिखा सुमिरन, सा, सा में छोटा उ की मात्रा लगी है इसलिए यहां पर लघु होगा, इसमें भी लघु होगा, सभी में लघु होगा, अर्थात सुमिरन में कितने हैं? चार। और भी जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने लिया पुष्पा, पुष्पा तो यहां है पा, छोटा उ की मात्रा लगी है इसलिए यहां पर लघु होगा। उसके बाद एक चीज ध्यान देंगे, जो हमारा अर्ध वाला होता है, जैसे ये आधा सा लिखा है, इसको हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे, यानी पा और ये फिर बड़ा की मात्रा लगी है, कुल मिलाकर इसमें कितने होंगे? दो होंगे। अब हमको ये नहीं कहना है कि आधा सा का एक हो गया, पा का एक हो गया दो, एक हो गया तीन, ऐसा नहीं होगा। अधिकतम दो मात्राएं लगेंगी, इसलिए यहां पर कितने होंगे? दो। यानी पुष्पा में कुल कितनी मात्राएं होती है? तीन। पा पर एक, यानी छोटा की मात्रा लगी एक, उसके बाद बड़ा पा जो लिखा है इस पर डबल मात्रा लगेगी, अर्थात इस पर गुरु होगा। पुष्पा पर कितने हो गए? दो। और उसके बाद अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। और हम लोग ऐसे लिखते हैं हिंदू, अब हिंदू में देखिए हा, इसमें कितना होगा? लघु, इसमें होगा गुरु, लघु और गुरु। बात समझ गए ना? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद के प्रकार। पहला होता है हमारा, पहला होता है मात्रिक छंद, और हमारा दूसरा होता है वर्णित छंद। पहला हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद। पहला हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद, उसे मात्रिक छंद। और दूसरा हमारा होता है वर्णित छंद। क्या? वर्णित छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है बेटा? मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णित छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णित छंद में वर्णों की गणना की जाती है। बस, और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, इसमें वर्णित छंद में वर्णों की गणना की जाती है। बस आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। अब अगली चर्चा जब हम लोग करेंगे तो उसमें दोहा, सोरठा, सवैया, रोला, कौन मात्रिक छंद है, कौन वर्णित छंद है, उसमें के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में, हमारे आज की वीडियो में, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे संपर्क सूत्र 8858 1958 65 पर व्हाट्सएप करके या मैसेज करके किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू दर्शक। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।